आज बहुत ही इजी और बहुत ही यमी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, चीज़ गार्लिक टोस्ट की। ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, बड़ी जल्दी बन जाती है, बहुत मज़ेदार लगती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। शुरू करने से पहले, इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑलरेडी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन। तो गार्लिक टोस्ट है, सबसे पहले तो आपने गार्लिक ले लेना है और इसका पाउडर ना लें और इसका पेस्ट भी ना लें, इस तरह से हल्का मोटा कुटा हुआ गार्लिक हमें चाहिए। तो आप ले लें और उसको फिर इमामदस्ते में कूट लें। मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है, आप सॉल्टेड भी ले सकते हैं। और इसको मैंने माइक्रोवेव में बस इतना ही गलाया, मतलब इतना ही मेल्ट किया है कि ये ऑयल ऑयल ना हो जाए, हमें ऐसा थिक चाहिए ये। और इस बटर में हमने जो गार्लिक कूटा है उसे ऐड कर देंगे। मैंने पूरा इकट्ठा नहीं लिया था बटर, क्योंकि वो मेल्टेड नहीं था, मैंने थोड़ा सा लिया, उसे मेल्ट किया, बाकी को बाहर छोड़ दिया, तब तक वो मेल्ट होता रहा। ये होगा कुछ 30 ग्राम्स के करीब बटर, और उसमें मैंने डाला है 1.5 टीस्पून ऑफ गार्लिक, और ऊपर से मैं नमक डाल रही हूँ बिकॉज मैंने अनसॉल्टेड बटर यूज़ किया है। आप अगर सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हो तो नमक नहीं डालें। बस इसको इतना मिलाइए कि अच्छे से गार्लिक पूरे बटर में मिक्स हो जाए, ज़्यादा आपने इसे मिक्स नहीं करना है, नहीं तो ये ऑयल छोड़ देगा और वो अच्छा नहीं लगता है। अब ब्रेड की स्लाइस लें, सैंडविच ब्रेड की, उस पर पहले मैंने बटर जो है, ये गार्लिक बटर जो बनाया वो अच्छे से स्प्रेड कर दिया, उसके ऊपर फिर ये हम चीज़ स्प्रेड कर रहे हैं। मार्केट में आजकल ऐसी चीज़ भी मिल रही है जो ऑलरेडी श्रेडेड रहती है, क्यूब्स में रहती है, छोटे छोटे, वो ना लें आप, उसमें मज़ा नहीं आता। ये इस तरह की लें, पिज़्ज़ा चीज़ या मोज़रेला चीज़ ले लें और उसे अच्छे से, मैंने तो ये कंजूसी वाली दिखाई है आपको वीडियो में, अच्छे से उसे आप ग्रेट कर लें और उसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो जितना भी आपको पसंद हो उतना स्प्रिंकल कर दें। साइड्स मैंने कट नहीं किए इसके ब्रेड के, क्योंकि ये साइड्स भी जो हैं ये हम जिस तरीके से रोस्ट करेंगे तो बहुत कुरकुरे हो जाते हैं और ये अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। अब आपको दिखाने के लिए मैं एक कर रही हूँ, आप एक बार में दो तीन, जितना आपका पैन बड़ा हो उतना कर सकते हैं। नीचे मैंने कोई ग्रीसिंग नहीं करी है, बस आपने सिम पर इसे रखना है टोस्ट को, सबसे धीमी आंच पर, और फिर कवर कर देना है लिड से, ऐसी लिड से जिसमें कोई होल ना हो। मुझसे ये गलती हो गई कि इसमें एक होल था पर मैंने उसका बाद में जुगाड़ निकाल लिया था, फिर भी काफ़ी अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गया था उसके होल के बावजूद भी। और जब मैंने होल बंद कर दिया था लिड का, उसके बाद तो फिर कहने ही क्या थे, बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं ये। और फिर इन्हें आप जैसे चाहें ट्रायंगल शेप में, ये देखिए ये है वो जुगाड़, मैंने उसमें एलुमिनियम फॉइल फंसा दी थी तो ये बहुत अच्छे बन गए थे, इतने मेल्ट हो गया था, बहुत जल्दी मेल्ट हो गया था। ट्रायंगल में काटें, रेक्टेंगल में काटें, सर्व करें, मुझे बताएं कि कैसे बने।